हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज पारुल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग वेलकम टू पजल प्रो सो आरआरबी का पेपर आप सभी का हो चुका है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का सो so, जैसे ही आपका आरआरबी पीओ का पेपर खत्म हुआ आपका आ चुका है आईबीपीएस क्लर्क का पेपर तैयारी आप सभी की चली रही है ऑलरेडी आप आरआरबी की तैयारी कर रहे थे सो so, आप सभी को पता है कि जो लेवल है दोनों में कुछ बहुत ज्यादा सा अंतर नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सो so, देर नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं अभी कुछ स्टूडेंट्स का 28 को है कुछ का चार को पांच को इस तरीके से पेपर है सो so, रेस्ट करने का वेट करने का थोड़ा सा भी ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करने का टाइम नहीं है टाइम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर वेल well, क्लर्क में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी आसान पूछे जाते हैं मैंने जो क्वेश्चन का लेवल रखा है वो थोड़ा सा ऊपर रखा है ताकि अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्टी यानी कि जो लेवल हमेशा से पूछा जा रहा है अगर उससे थोड़ा सा भी ऊपर का लेवल पूछा जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से बड़े ही प्यार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर चलिए बनाते हैं इसे देखो क्या कहता है एट पर्सन आठ लोग हैं अजहर इमरान ये सभी नाम दिए गए हैं अजय जीतू मनीष राम गीता कमल यहाँ पर देखो अजहर और अजय इन दोनों का ए से स्टार्ट होता है बाकी सभी का अलग है तो हम अज, ए वाले इनिशियल्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या नाम नोट कर रहे हैं तो बाकी पूरा पूरा नाम नोट करने की हमें जरूरत नहीं है हम सिर्फ और सिर्फ उनका पहला कैपिटल लेटर जो है वही नोट करेंगे बैठते हैं सभी सबी को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन मैंने बोला कि एक लेवल अप जनरली आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या ऐड कर दिया एक वेरिएबल और ऐड कर दिया है तो सभी को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है यहाँ पर फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं

कमल आपका यहां पर है तो तीन पर्सन छोड़कर गीता आपकी यहां पर और फिर बाकी के जो तीन बचेंगे वो यहां पर तो इस तरीके से हमारा ये बन चुका है टोटल आठ लोगों का अरेंजमेंट आगे पर्सन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना मैंगो जिसको पसंद है बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर है बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर क्योंकि सभी के सभी क्या है सभी के सभी क्या है नॉर्थ फेसिंग है इसीलिए मैंने इसको एज इट इज नोट कर लिया बनाना के इस तरीके से साथ में मैंगो आ जाएगा आगे वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन कमल एंड अजहर हु लाइक्स पाइनएप्पल कमल और अजहर के बीच में एक पर्सन है और अजहर को क्या पसंद है पाइनएप्पल तो कमल यहाँ पर है तो एक छोड़कर एक ही जगह है अजहर यहाँ पर आएगा इसको क्या पसंद है पाइनएप्पल पसंद है कमल यहाँ पर है एक छोड़कर अजहर आपका यहाँ पर आ जाएगा इसको क्या पसंद है पाइनएप्पल पसंद है नोट कर लिया आगे चलते हैं फटाफट से मनीष डजेंट लाइक पपाया मनीष को पपाया पसंद नहीं है चलिए नोट कर लेते हैं मनीष को पपाया पसंद नहीं है टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन इमरान एंड पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स इमरान और जिस पर्सन को ग्रेप्स पसंद है उनके बीच में कितने लोग हैं दो लोग हैं इसको हमने नोट कर लिया आगे बढ़ते हैं टू पर्सन सिटिंग बिटवीन अजहर एंड राम अजहर और राम के बीच में कितने लोग हैं दो लोग हैं ठीक है थीके? तो अजहर आपका यहां पर है दो के गैप के बाद में राम यहां पर अजहर आपका यहां पर है दो के गैप के बाद में राम आपका यहां पर आ जाएगा आगे जीतू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय जीतू कहां पर है अजय के इमीडिएट लेफ्ट पर तो अजय के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब है अजय और उसके इमीडिएट लेफ्ट पर जीतू कुछ ऐसा आएगा ठीक है देखो हमें अब क्या चाहिए दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए यहाँ पर तो दो एडजेसेंट प्लेसेस आपको यहाँ पर कहा मिल रहे हैं इस केस में सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है अजय आपका यहाँ पर आएगा जीतू आपका यहाँ पर आ जाएगा इस केस में अजय आपका यहाँ पर जीतू यहां पर चलो जीतू इज नॉट सेटिंग टू राम जीतू राम के एडजेसेंट नहीं है वहां पर देखो जीतू तो राम के एडजेसेंट है यानी कि ये वाला केस हो गया हमारा क्या गलत हो गया ये ऊपर वाला केस करेक्ट वन इज ये वाला नीचे वाला कहता है राम के लिए कहता है हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी राम को क्या पसंद है स्ट्रॉबेरी पसंद है राम को क्या पसंद है स्ट्रॉबेरी पसंद है तो ये हमने यहां पर नोट कर लिया आगे गीता इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु लाइक्स पपाया गीता किसके थर्ड लेफ्ट पर है पपाया के थर्ड लेफ्ट पर गीता हमारी यहां पर है तो थर्ड लेफ्ट पर पपाया के थर्ड लेफ्ट पर बैठती है तो यानी कि इस पर्सन को क्या पसंद होगा पपाया पसंद होगा चलो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड आउट कर चुके हैं पढ़ चुके हैं और जो गिवन था उसके हिसाब से बना चुके हैं अब आगे फर्दर देखो कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे अब देखो हमें पता है एम को पपाया पसंद नहीं है एम को क्योंकि दो पर्सन बाकी है ना देखो यहाँ पर जे अजय आर जी अजहर कमल दो पर्सन बचते हैं एम को पपाया पसंद नहीं है तो आपका एम डेफिनेटली यहां पर आ जाएगा जो भी पर्सन बचता है अब आपका वो आ जाएगा इस जगह पर कौन बचता है जरा देखो इमरान बचता है ई ई बचता है इमरान यहां पर अब जरा देखो ई और ग्रेप्स के बीच में दो का गैप तो दो के बाद में इस पर्सन को क्या पसंद है इस पर्सन को ग्रेप्स पसंद है चलो ये हो गया अब देखो और क्या बचता है बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर मैंगो अब हमें दो एडजस्टेंट प्लेसेस चाहिए किसके लिए फ्रूट्स के लिए तो जरा देखो यहाँ पर नहीं है जगह यहाँ पर नहीं है यहां पर नहीं है सिर्फ और सिर्फ अजय और जीतू के पास नजर आ रही है बनाना इसे पसंद है और मैंगो इस जीतू को पसंद है सो so, अब देखो अब हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा हो चुका है अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो ना आंसर कर सकते हो अब यहाँ पर हमारे पास इसका फ्रूट इसका इसका जी का एम और ई e का भी हो चुका एम और के के फ्रूट्स बाकी हैं एम और के के अब क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ है, सच और इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं ठीक है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं तो जो भी आपके दो फ्रूट्स बचे हैं वो स्लैश में चले जाएंगे आइदर और में चले जाएंगे एम और के के लिए ठीक है कौन से बचते हैं एक ऑरेंज बचता है और एप्पल एप्पल और ऑरेंज तो एम और के के लिए क्या हो गया है दोनों में से किसी एक को ऑरेंज होगा और एप्पल तो नाउ योर क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजिली आंसर कर सकते हैं फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता गीता के राइट पर कितने लोग हैं गीता के राइट पर कितने लोग हैं जरा चेक करो गीता आपके यहां पर है वन टू थ्री फोर चार लोग हैं गीता की राइट पर तो यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है फोर जिसमें गिवन है वो आपका करेक्ट होगा ठीक है चलो आई गेस ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये रहा आप सभी के सामने अब जरा देखो इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन कैसा है पिछला क्वेश्चन आसान था धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाऊंगी ये क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है ठीक है आप पीओ में भी ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो चलो देखो अब सिक्स नोटबुक्स छह नोटबुक्स हैं आर वन अबव अनदर ये छह नोटबुक्स हैं ए बी सी डी ई एफ वन अबव अनदर सच दैट बॉटम मोस्ट नोटबुक इज नंबर्ड एज वन सबसे नीचे वाला वन सबसे ऊपर वाला सिक्स ठीक है आगे कहते हैं द नोटबुक्स बिलोंग्स टू सिक्स डिफरेंट स्टूडेंट्स ये अलग अलग स्टूडेंट्स की हैं पारुल काजी रोमित श्रेय टीना एंड उमेश नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ठीक है क्या कहता है पहले तो देखो छह नोटबुक्स हैं एक के ऊपर एक इस तरीके से उन्हें प्लेस किया गया है सबसे नीचे वाला वो क्या है बुक नंबर वन और ऊपर वाला सिक्स और ये जो बुक्स हैं ये अलग अलग पर्सन से बिलोंग करती है उसने आपको छह नाम दिए हैं और हर एक पर्सन के लिए एक बुक है ठीक है अब आगे देखो ओनली वन नोट बुक बिलोंग्स टू वन पर्सन उसने बोला है नोटबुक बी डज नॉट बिलोंग टू टीना अब हम लोग क्या करते हैं पहले इसे नोट करते हैं टोटल सिक्स नोटबुक्स हैं? नोटबुक बी जो है ना बी नोटबुक ध्यान रखना यहाँ पर छह नाम दिए गए हैं और छह लेटर्स दिए गए हैं नोटबुक्स के नोटबुक्स के लिए ए टू एफ दिए गए हैं छह लेटर्स और बाकी नाम दिए गए हैं तो नोटबुक बी डज नॉट बिलोंग टू टीना जो नोटबुक बी है ना वो टीना से बिलोंग नहीं करती है इसे हम लोग

ठीक है तो बी और डी के बीच में एक का गैप और उसने क्या बोला है डी विच बिलोंग्स टू पारुल डी बिलोंग करती है पारुल से चलो ध्यान रखना है इसका बी टीना से बिलोंग नहीं करता है बी जो है ये हो गया ये गिवन है और बी के लिए टीना कैंसल्ड बी के लिए टीना कैंसल्ड है।, है चलो अब आगे देखो। जो है वो bottom position पर नहीं रखी गई है और जो नोटबुक ए है वो ना तो सिक्स नोटबुक है और ना ही फर्स्ट नोटबुक है तो एफ के लिए पहले तो ये कैंसल्ड है फर्स्ट और ए के लिए नोटबुक ए इज नाइदर सिक्स नॉर्थ नॉर्थ फर्स्ट ए के लिए फर्स्ट भी कैंसल्ड है और सिक्स भी कैंसल्ड है चलो आगे देखते हैं टू नोटबुक्स आर केप्ट बिटवीन द नोटबुक्स विच बिलोंग टू काजी एंड श्रेय काजी और श्रे दो पर्सन है उनसे जो बुक्स बिलोंग करती है उनके बीच में गैप दिया गया है दो नोटबुक्स का ठीक है तो काजी और श्रेय के बीच में दो बुक्स का गैप है दो बुक्स का आगे नोटबुक ई e, जो की रोमित से बिलोंग करती है इज केप्ट बिलो बी बी के नीचे बी के नीचे कौन सी बुक है कोई ई e बुक है जो की रोमित से बिलोंग करती है किसके नीचे आएगी बी के नीचे ठीक है ये हमने नोट कर लिया वन नोटबुक इज केप्ट बिटवीन बुक नोटबुक ई एंड एफ ई और एफ के बीच में उसने क्या बोला है एक का गैप है ई e और एफ के बीच में एक का गैप है अभी तक देखो हमारे पास कुछ भी ऐसा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला है हमें ठीक है इसीलिए हम लोगों को नोट करना पड़ रहा है आगे एट लीस्ट फोर नोटबुक्स आर केप्ट बिलो सी सी के नीचे सी के नीचे कम से कम चार बुक्स हैं कम से कम चार बुक्स हैं सी के नीचे इसका मतलब क्या है कम से कम चार से ज्यादा जा, से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं तो एक दो तीन चार आपका सी कहां पर आ सकता है इस जगह पर आ सकता है और सिक्स पर भी आ सकता है सिक्स पर भी आ सकता है ठीक है तो सी आपका यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है अब आगे देखो क्या कहता है नोटबुक बी इज केप्ट टू प्लेसेस बिलो नोटबुक सी अब नोटबुक बी कहां पर है सी के टू प्लेसेस बिलो सी के टू प्लेसेस बिलो यानी कि बी आपका यहां पर और बी आपका यहां पर ठीक है अब ये हमें पता चला तो B से रिलेटेड हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन तो है काफी सारा इंफॉर्मेशन अब यहां से देखो बी और BOD का गिवन है कर सकते हैं ना अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली किसकी C की की उसके नीचे कम से कम चार बुक्स हैं कम से कम चार तो हमने चार और पांच का बनाया तो आपकी फिफ्थ पोजीशन पर सिक्स्थ पोजीशन पर C आ सकती थी और B के लिए उसने बोला B कहां पर है C के टू प्लेसेस बिलो तो टू प्लेसेस बिलो बी हमने बना दिया अब बी के टू प्लेसेस बिलो डी है डी यहां पर आ गया डी यहां पर आ गया डी बुक किसके पास है पारुल के पास है तो यहां पर हमने नोट कर लिया यहां पर भी हम लोग नोट कर लेते हैं चलो इतना किया अब हमें पता है बी के नीचे किसने आना ई e ने जो कि जो ई e नोटबुक है वो किसके पास है रोमित के पास तो इस केस में देखो बी के नीचे एक ही जगह दिख रही है ई e आपका यहां पर रोमित आपका यहां पर और अगर, अगर अब हम इस केस में देखें तो ई e के लिए हमारे पास एक तो ये जगह है ठीक है यहां पर हमने दो का गैप दे दिया डी आपका यहां पर नहीं आएगा ये हमने गलत कर दिया डी आपका यहां पर आएगा ठीक है बी जो डी यहां पर पारुल यहां पर अब ई e के लिए जगह जो है वो यहां पर और यहाँ पर आ सकती है ई e यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है अब जरा देखते हैं ई e से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये रहा ई e और एफ के बीच में एक का गैप है ई e यहाँ पर तो एफ आपका यहाँ पर अगर अब हम इस वाले केस को देखें तो हमारे पास ए ना तो फर्स्ट पर है ना ही सिक्स्थ पर है तो ए के लिए तो यही जगह बची है और ए यहां पर आ भी नहीं सकता दैट मीनस कि हमारा ये वाला जो केस है ये गलत है करेक्ट वन इज गोइंग टू बी दिस ये होने वाला है तो ये वाला केस तो हो चुका है हमारा यहाँ पर गलत अब जरा देखो यहां पर देखो अगर हम ई e को इस जगह पर प्लेस करते हैं ठीक है इस जगह पर ई e को प्लेस करते हैं तो आपका एफ यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि एफ के लिए फर्स्ट पोजिशन कैंसल्ड है देखो एफ के लिए फर्स्ट पोजिशन कैंसल्ड है तो ई e यहां पर आया तो एफ यहां पर नहीं आ सकता अगर ई e यहां पर आया तो आपका एफ यहां पर आएगा अब ई e यहां पर आया एफ यहां पर आया कौन सा बचता है एक अकेला ए बचता है अगेन ए इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल एट फर्स्ट पोजिशन ए जो है यहां पर नहीं आ सकता यानी कि आपका ई e इस जगह पर नहीं आ सकता हमने देख लिया ई e यहां पर आएगा तो एफ यहां पर नहीं आ सकता फर्स्ट पर कैंसल्ड है यहां पर आया तो एफ यहां पर आएगा ये मैंने बता दिया क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि फिर ए के लिए ये जगह बचेगी विच इज अगेन नॉट पॉसिबल चलो तो ई e के लिए पता चल गया यहां पर नहीं आ सकता अब डेफिनेटली ई e आपका कहां पर आने वाला है इस जगह पर आने वाला है तो e यहाँ पर आया, F आपका यहां पर आ जाएगा e किससे e वाली e e किसके पास है, रोमित के पास तो आपका यहां पर आ जाएगा अब जरा देखो, A बचता है, तो ए अब हमारा कहां पर आ जाएगा इस जगह पर आ जाएगा बिल्कुल सही है क्योंकि ए के लिए तो फर्स्ट और सिक्स पोजिशन कैंसल्ड है ना फर्स्ट और सिक्स पर नहीं आया है हमारा ए तो क्वेश्चन हमारा लगभग यहां पर हो गया अब जरा देखो क्या बचता है हमारे पास उसने बोला है ये देखो क्यू जेड और एस एच श्रेय और काजी यही था ना नाम ठीक है तो काजी और श्रेय के बीच में कितने हैं दो नोटबुक्स तो अब हमें दिख रहा है क्लियरली सी और एफ के पास जाएंगे कौन से काजी और श्रेय अब क्योंकि हमें उसने एग्जैक्टली exactly तो नहीं बताया या फिर हमें कोई निगेशन में इंफॉर्मेशन दिया जाता कि एफ के पास जो एफ नोटबुक है वो काजी से नहीं बिलोंग करती या श्रेय से नहीं बिलोंग करती तो यहाँ पर ये अगेन हमारा स्लैश में चला जाएगा ठीक है काजी एंड श्रेय क्योंकि इनके बीच में गैप कितना है दो का है तो यही बनेगा तो काजी और श्रेय यहाँ पर आ सकते हैं अब बी के लिए देखो टीना टीना जो है उसके पास बी नोटबुक नहीं है तो टीना आ जाएगी टीना के पास कौन सी होगी एक ए और जो और जो आपका पर्सन बचता है उसके पास आ जाएगी बी नोटबुक कौन सा पर्सन बचता है जरा चेक कर लेते हैं उमेश बचता है उमेश तो यहां पर उमेश आ गया सो नाउ योर क्वेश्चन इज कम्प्लीटली रेडी अब आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आप आंसर आंसर कर कर सकते है कर सकते हैं हैं ना इसे सभी तो चलिए मैं बिल्कुल भी आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं करा रही हूँ सब कुछ आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो जरा देखो विच नोटबुक इज केप्ट फोर्थ फ्रॉम द बॉटम नीचे से फोर्थ पोजिशन पर कौन सी नोटबुक है नीचे से नीचे से फोर्थ पोजिशन पर कौन सी नोटबुक है जरा चेक करो नीचे से फोर्थ पोजीशन पर यानी कि ये बी नीचे से फोर्थ पोजीशन पर बी नोटबुक है तो यहां पर जरा देखो नोटबुक भी आपको कहां पर मिला है सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी नोटबुक्स आर कैप्ट बिटवीन द नोटबुक्स विच बिलोंग टू काजी एंड रोमित अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो देने नहीं वाली हूं आप सभी को देना है कहां पर देना है कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना है ठीक है चलिए अब फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है अगर आप इसको बना लोगे तो यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आप इजी लेवल के फिर बहुत ही आसानी से बना लोगे क्योंकि इसका लेवल काफी अच्छा है तो चलो देखो नाइन फ्लावर पोर्ट्स नो फ्लावर पोर्ट्स हैं ऑफ कलर ये अलग अलग कलर्स दिए गए हैं प्लेस्ड वन अबव अनदर सच दैट वॉटर मोस्ट पॉट इज वन उसके ऊपर वाला दो इस तरीके से ईच ऑफ देम देस डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम वन टू नाइन क्वेश्चन में आपको दो दो वेरिएबल्स दे दिए गए हैं एक तो आपके पास क्या है टोटल नाइन फ्लावर प्लॉट्स फ्लावर पॉट्स हैं सबसे नीचे वाला एक दो तीन इस तरीके से सबसे ऊपर वाला फ्लावर पॉट दैट इज नंबर इज नाइन और उसके अलावा उसने क्या बताया है हर एक के पास डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वन से लेकर न एक से लेकर नो के बीच में ठीक है और उसने क्या बोला है सबके कलर्स भी अलग अलग हैं जो फ्लावर प्लॉट्स फ्लावर पोर्ट्स हैं सभी के कलर्स अलग अलग हैं तो हमारे पास हुए ना टोटल दो वेरिएबल्स चलो आगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं टोटल टोटल नाइन हमारे पास फ्लावर पोर्ट्स हैं चलो अब देखो क्या कहता है एट मोस्ट टू पोर्ट्स आर प्लेस्ड अब येलो येलो के ऊपर एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम ठीक है मैक्सिमम येलो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दो ही फ्लावर पोर्ट्स आ सकते हैं ठीक है अब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दो का मतलब है आप दो भी लेकर चलोगे एक भी लेकर चलोगे जीरो भी लेकर चलोगे इसका मतलब क्या है येलो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दो आ सकते हैं तो आपका येलो कहां पर आ सकता है जरा देखो येलो आपका सेवेंथ पर एट्थ पर नाइन्थ पर अब तीन केसेस बनाए थोड़ा सा रुक जाते हैं थोड़ा सा ठीक है येलो हमें पता चल गया सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ पर आएगा थ्री पोर्ट्स आर प्लेस बिटवीन येलो एंड वॉलेट विच कंटेन एट फ्लावर्स ठीक है ब्लू इज द नाइन्थ पोर्ट उसने बताया नाइन्थ पोर्ट कौन सा है नाइन्थ पोर्ट है ब्लू कलर का तो यानी कि एक केस हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया अगर हम येलो पहले बना लेते तो हम थोड़ा सा टाइम और वेस्ट हो जाता तीसरा केस बनाने में दो केसेस अभी भी हमारे पास बनेंगे क्योंकि नाइन्थ ब्लू है तो हम यहाँ पर येलो के लिए ये तीन कंसिडर कर रहे थे ना तो वो नहीं होंगे तो येलो आपका यहां पर आ सकता है और येलो आपका यहाँ पर आ सकता है अब जरा देखो टू पोर्ट्स प्लेस्ड अब येलो एट मोस्ट हमने नोट कर लिया थ्री पोर्ट्स आर प्लेस्ड बिटवीन येलो एंड वॉलेट विच कंटेन एट फ्लार अब येलो और वॉलेट के बीच में कितने हैं तीन येलो यहां पर तीन के गैप के बाद में वॉलेट यहां पर आया येलो यहां पर तीन के गैप के बाद में वॉलेट यहां पर आ गया अब उसने क्या बोला है वॉलेट आठ फ्लार कंटेन करता है तो आठ और आठ चलो कर लिया हमने ब्लू इज द नाइन्थ पोर्ट ब्लू इज द नाइन्थ पोर्ट ठीक है ये भी हम लोगों ने नोट कर लिया टू पोर्ट्स आर प्लेस्ड बिटवीन वॉयलेट एंड व्हाइट विच इज नॉट एट नॉट द फर्स्ट पोर्ट वॉयलेट और व्हाइट के बीच में दो पोर्ट्स हैं दो पोर्ट्स हैं वॉयलेट और व्हाइट के बीच में और व्हाइट जो है आपका वो फर्स्ट पोर्ट नहीं है तो वॉयलेट आपका यहां पर नीचे तो जगह नहीं है दो के गैप के बाद में व्हाइट यहां पर आएगा वॉयलेट यहां पर है दो के गैप के बाद में व्हाइट को फर्स्ट पर लेना नहीं है तो वाइट आपका यहां पर आ जाएगा चलो कहते हैं टू फ्लावर्स। ध्यान से देखो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है ब्रेक करके पढ़ लो चाहो तो ब्लैक इज प्लेस्ड जस्ट बिलो पर्पल पर्पल के जस्ट नीचे ब्लैक ये हमने नोट कर लिया पर्पल के जस्ट नीचे ब्लैक पोट आएगा पर्पल के लिए कहता है विच इज प्लेस्ड बिलो ऑरेंज ये जो पर्पल है ये कहां पर आएगा ऑरेंज के कहीं नीचे आएगा ऑरेंज के कहीं नीचे आएगा पर्पल ऑरेंज इज प्लेस्ड बिलो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर ऑरेंज इज प्लेसड बिलो फिफ्थ पोर्ट्स बट नोट एडज टू पर्पल ऑरेंज को कहां पर प्लेस किया गया फिफ्थ के नीचे फिफ्थ के नीचे का मतलब है फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट पर कौन आ सकता है आपका ऑरेंज आ सकता है फिफ्थ से नीचे यानी कि फोर्थ पोजिशन से ऑनवर्ड ऑरेंज नीचे आ सकता है और ऑरेंज फिफ्थ से नीचे है नॉट प्लेसड एडज टू नोट प्लेस एडजस्टेंट टू पर्पल ऑरेंज और पर्पल साथ में नहीं है ठीक है ऑरेंज और पर्पल एडज नहीं है तो यानी कि एक तरीके से ये हमारा कैंसिल है ठीक है ऑरेंज पर्पल ये जो है हमारा ये कैंसिल्ड है चलो अब देखो, अब देखो हम हम किस तरीके से बनाए इसे अगर हम इस केस को देखें तो आपका ऑरेंज यहां पर आ सकता है यहां पर आ सकता है यहां पर आ सकता है ऑरेंज के नीचे अब हमको पर्पल और ब्लैक तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ऑरेंज के कहीं नीचे पर्पल आएगा और पर्पल के जस्ट नीचे ब्लैक है पर्पल के जस्ट नीचे उसने बोला ब्लैक इज इमीडिएट बिलो पर्पल ठीक है तो अब जरा देखो इस केस में ऑरेंज यहां पर तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे पर्पल ब्लैक आएगा तो ऑरेंज आपका फोर्थ पोजीशन पर आएगा पर्पल आपका यहां पर आ जाएगा और ब्लैक आपका यहां पर आ जाएगा इसके इसमें देखो ऑरेंज आपका यहां पर आ सकता है थर्ड पोजीशन पर अब ऑरेंज के नीचे पर्पल आएगा ऑरेंज के नीचे पर्पल यहां पर ब्लैक यहाँ गलत हो गया ना क्योंकि ऑरेंज के जस्ट नीचे पर्पल ऑरेंज और पर्पल तो एडजेसेंट हो ही नहीं सकते उसने बोला है तो ये वाला जो केस है ना हम लोग जो इसे सॉल्व कर रहे हैं ये हो चुका है हमारा गलत कैंसिल अब हमारा करेक्ट वन कौन सा है ये वाला है ठीक है ये वाला केस हमारा करेक्ट है अब देखते हैं आगे कहते ब्लू कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफ पर्पल ब्लू के पास कितने प, कितने फ्लावर्स हैं जितने पर्पल के पास है ना उसके आधे पर्पल के आधे ठीक है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि बना चुके हैं चलो ग्रीन इज प्लेस्ड जस्ट अबोव द पोर्ट्स विच कंटेन्स वन फ्लावर ग्रीन को कहां पर प्लेस किया गया वन के जस्ट ऊपर एक चीज देखो ऑरेंज के पास कितने फ्लावर्स है यहां पर दो फ्लावर्स हैं गिवन है ऑरेंज के पास कितने फ्लावर्स हैं दो हैं ठीक है चलो अब उसने बोला ग्रीन को कहां पर प्लेस किया गया है एक के ऊपर यानी कि जिस भी फ्लावर पोर्ट में एक फ्लावर होगा उसके जस्ट ऊपर आपका ग्रीन आएगा तो ग्रीन के लिए या तो ये जगह है या फिर ये यहां पर ग्रीन आ नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे दो हो गया तो ग्रीन आपका यहां पर आएगा जिसके जस्ट नीचे क्या होगा वन यानी कि येलो के पास कितने फ्लावर्स हैं एक आगे फर्स्ट पोर्ट कंटेन फोर फ्लावर्स पहला पोर्ट कितने कंटेन करता है चार कंटेन करता है कहता है वाइट डाइम नंबर्ड फ्लॉर्स वाइट व्हाइट के लिए क्या कहता है प्राइम फ्लावर्स नहीं आएंगे तो जरा देखो प्राइम नंबर्ड और यहां पर भी जो गिवन है वो भी तो सभी वाइट के लिए कैंसल्ड है तो हम लोग देखते हैं कि व्हाइट का क्या नंबर आएगा वन कैंसल्ड है प्राइम नंबर भी कैंसल्ड है दो भी नहीं आ सकता तीन भी नहीं आ सकता पांच भी नहीं आ सकता चार भी कैंसल्ड है क्योंकि ब्लैक के पास ऑलरेडी है चार भी कैंसल्ड है ठीक है सेवन ऑल्सो कैंसल्ड प्राइम अलाउड नहीं प्राइम वाइट के लिए है नहीं ठीक है और अब इसके अलावा एट वॉलेट के पास है तो इसके लिए एट भी कैंसिल है तो जरा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एंड एट बचता है सिक्स और नाइन सिक्स और नाइन बचता है यहाँ पर ठीक है किसके लिए व्हाइट के लिए कौन सा बचता है सिक्स और नाइन बचता है तो अब जरा देखते हैं इसको और कैसे करना है अब हमें पता है ब्लू के पास कितना है पर्पल का हाफ ब्लू के पास कितने फ्लावर्स है पर्पल के हाफ तो जरा देखो पर्पल का भी यहाँ पर गिवन नहीं है तो पर्पल का क्या क्या हो सकता है इवन नंबर होगा ये आप सभी को पता है तो फोर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है एट आ चुका है टू आ चुका है अब कौन सा इवन नंबर बचता है एक ही बचता है सिक्स है ना टू आ चुका है फोर आ चुका है एट आ, आ चुका है एक अकेला सिक्स बचता है तो पर्पल के पास तो सिक्स ही होंगे क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स ऐसे तो है नी आधा सेवन का हाफ थ्री पॉइंट फाइव ऐसा तो हम कर नहीं सकते हमें कंप्लीट इंटीजर चाहिए ना तो पर्पल वाले के पास कितना होगा सिक्स ब्लू वाले के पास कितना हो जाएगा तीन तो फिर व्हाइट के पास जो छह और नौ दोनों में से था तो व्हाइट के पास कितने हो जाएंगे नाइन तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है कंप्लीट एक कलर बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा देखो जरा कौन सा कलर बचता है रेड कलर बचता है रेड यहां पर आ जाएगा अब हमारे पास कौन से यहां पर बचते हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स बचते हैं वन टू थ्री फोर फाइव बचता है और आपका सेवन बचता है तो रेड और ग्रीन के पास कितने फ्लावर्स हो सकते हैं पांच और सात में से अगेन ये किसमें जाएंगे स्लैश में जाएगा तो यहां पर आपका फाइव एंड सेवन हो सकता है यहां पर भी आपका फाइव एंड सेवन हो सकता है ठीक है तो चलिए ये क्वेश्चन भी अब आपका हो चुका है आई होप कि सभी को समझ में आया होगा अब फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है ये क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने वीडियो आएगी जैसे जैसे आप लोग आगे करके वीडियो को देखेंगे आपको जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ क्या करना है कमेंट सेक्शन में टाइप है तो करना है, है ना और एक और चीज कहना चाहती हूँ सेशन अगर अच्छा लगता है समझ में आता है तो लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है ठीक है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करना है तो चलिए डैश कंटेन सेवन फ्लावर्स आपको बताना है कि सेवन फ्लावर्स कौन कंटेन करता है नंबर ऑफ पोर्ट्स अब इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोर्ट्स बिलो अब जैसे दिया गया येलो वॉलेट चेक करना पड़ेगा अब इसको हमें तो जरा देखो येलो दो वॉलेट दो यही पहला ही करेक्ट हो गया हमारा ठीक है तो येलो वॉलेट ए ऑप्शन करेक्ट है इसका यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है हमारे सिलॉग्स के क्वेश्चंस चलिए इसे बनाते हैं देखिए ओल्ड ग्रीन और व्हाइट गिवन है आपको बनाते हैं इसे सम व्हाइट आर रेड नो रेड इज ब्लैक स्टैंडर्ड वन डायग्राम इज रेडी नाउ सबसे पहला कंक्लूजन चेक करते हैं सम ब्लैक आर डेफिनेटली नॉट ग्रीन कुछ ब्लैक जो है वो ग्रीन नहीं है सम ब्लैक आर डेफिनेटली नॉट ग्रीन उसने बोला है ठीक है ब्लैक आपका यहां पर है ग्रीन आपका यहां पर है क्या कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में नहीं है क्लियरली नहीं है गलत हो गया ऑल व्हाइट कैन नेवर बी ब्लैक कहता है कि पूरा का पूरा व्हाइट कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता पूरा का पूरा व्हाइट चेक करते हैं वाइट कौन सा है ये पूरा का पूरा, पूरा पोर्शन हमारा व्हाइट का है व्हाइट और रेड का ये पोर्शन कॉमन है पूरा का पूरा रेड इज ब्लैक से दूर है रेड ब्लैक से दूर है रेड और व्हाइट का कुछ पोर्शन कॉमन है तो ये बात सही नहीं होगी कि पूरा का पूरा व्हाइट तो कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता है ये वाला जो डार्कन पोर्शन है ये तो कभी भी ब्लैक में नहीं जा सकता है. बाकी पूरा का पूरा डेफिनेटली जा सकता है लेकिन ये वाला पोर्शन तो कभी भी ब्लैक में नहीं जा सकता है तो ये बिल्कुल सही है पहला जो आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है ठीक है चलो नेक्स्ट ओल्ड आर सॉप्स नो सॉप इज शैंपू आई गेस ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं पहले ओल्ड शैंपू आर बॉडी वॉश शायद पहले वाले सेशन में हो चुका है क्वेश्चन है ना चलो फिर से कर लेते हैं ऑल बार्स बीइंग शैम्पू इज अ पॉसिबिलिटी कह रहा है कि पूरा का पूरा जो बार है बार आपका ये है और बॉडी वॉश आपका ये है चलो ऑल बार बीइंग शैम्पू इज अ पॉसिबिलिटी पूरा का पूरा जो बार है क्या वो आपका शैम्पू शैम्पू हो सकता है पूरा का पूरा बार शैम्पू हो सकता है नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आप खुद ही देखो पूरा का पूरा सोप किससे दूर है शैम्पू क्लियरली गिवन है पूरा का पूरा सोप शैम्पू से दूर है और सोप के अंदर ही आपका बार है तो बार भी तो शैम्पू से दूर है बार छोटा सा पोर्शन भी बार का एक छोटा सा एलिमेंट भी शैम्पू में नहीं जा सकता उसने तो पूरा पूछा ओल बार हंड्रेड परसेंट गलत है ये पॉसिबल ही नहीं है पूरा का पूरा बार जो है वो शैम्पू में नहीं जा सकता है अब देखो अगर वो आपसे सिंपली पूछे ऑल वायरल शैम्पू ओल्ड वायरल शैम्पू नहीं हंड्रेड परसेंट गलत है तो मैंने पॉसिबिलिटी गलत क्यों की है क्योंकि हंड्रेड परसेंट गलत की पॉसिबिलिटी भी गलत होती है ठीक है एटलीस्ट सम बॉडी वॉश आर सॉप्स कहते हैं कि कुछ बॉडी वॉश जो है वो सॉप्स है अब बॉडी वॉश यहाँ पर है सोप यहाँ पर है उनके बीच में सम कुछ होने का रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में दोनों ही कंक्लूजन आपके जो है वो गलत है नेक्स्ट भी कर लेते हैं ओल्ड सॉन्ग्स आर म्यूजिक सारे के सारे सॉन्ग्स क्या है म्यूजिक है नो म्यूजिक इज लाउड म्यूजिक जो है वो आपका लाउड से बिल्कुल दूर है नो सॉन्ग इज सैड ये सॉन्ग था ये आपका सैड है तो नो सॉन्ग इज सैड ये आपको गिवन है पहला कंक्लूजन आर नॉट लाउड कहते हैं कि कुछ सॉन्ग्स जो है वो आपके लाउड नहीं है सम सॉन्ग्स आर नॉट लाउड अब जरा देखो हमें पता है ये पूरा का पूरा जो म्यूजिक है ये लाउड से दूर है पूरा का पूरा म्यूजिक लाउड से दूर है सॉन्ग किसका पार्ट है म्यूजिक का ही तो पार्ट है तो अगर वो आपसे ये भी पूछे कि नो सॉन्ग इज लाउड वो भी सही हो जाएगा तो उसने तो क्या पूछा सम सोंग आर नोट साउड लाउड ये तो बिल्कुल सही है जब पूरा का पूरा सॉन्ग अगर वो आपसे ये भी पूछे ना ओल सॉन्ग आर नोट लाउड ये भी हंड्रेड परसेंट सही है उड ये भी हंड्रेड परसेंट सही है उसने तो सम सॉन्ग्स का पूछा कि कुछ सॉन्ग्स तो बिल्कुल सही है ये पूरा का पूरा का सॉन्ग लाउड से दूर है नेक्स्ट देखो क्या कंक्लूजन में कहता है सम म्यूजिक आर नॉट सैड सम म्यूजिक आर नॉट सैड तो जरा देखो म्यूजिक ये है आपका ये पूरा का पूरा क्या है सॉन्ग है

मैं आप सभी के लिए आई बी का आगे पेपर आने वाला है तो उसके लिए भी एक कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ ऑन यूट्यूब ठीक है यूट्यूब पर ही तो उसके लिए भी स्टे स्टेट्यून्ड और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में तैयारी में लगे रहिए बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्स या लाइंड अप किसी ना किसी पेपर में तो आप डेफिनेटली फतेह हासिल करेंगे तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरी